जा रही हैं आप? आज कहाँ जाएंगी आप? कहाँ पे पढ़ने जाएंगी? ट्यूशन जाएंगी? ट्यूशन क्या पढ़ेंगी? पाकी, 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 पाकी। और क्या पढ़ेंगी? क्या क्या पढ़ेंगे यार आप? कलमा सुनाइए। मिस को क्या बोलूंगी आप? मिस को, टीचर को? इधर देखिए क्या बोलेंगे आप? दादी नहीं, मिस को क्या बोलोगी? टीचर और टीचर को? दादी, आंटी, आंटी, क्या? आप कहाँ जा रही हो? ट्यूशन। ट्यूशन जा रही हो? क्या आंटी के पास? मिस हैं वो आपकी? कौन है? दाल। हाँ अभी जाएगा, अभी आप अभी टाइम हो जाएगा फिर जाएगा। सही है, बैग लेके जाना ना, कॉपी लेके, बैग लेके। सही है, ओके ओके। हम सबको किसने पैदा किया बताइए? और इधर आइए। नमाजें कितनी है? पांच। हम कौन है? हम मम्मा। और से बताइए। मम्मा। हम कौन है? उनको बताइए। बाय बाय करें। बाय बाय। मजा आएगा आज आपको ट्यूशन में? हाँ। कैसे मजा आएगा है ना? कितना मजा आएगा आपको? इतना सारा पांच मजा आएगा। सूजी लेके जाएंगे आप? और आपके हाथ में क्या है? पेंसिल है। ये पेंसिल से क्या करेंगे आप? लिखेंगी? अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आप मिल तो चुके होंगे, ये हैं हमारी प्यारी सी भांडी साहिबा, ज़ैनब नाम है इनका। और इनको बहुत शौक है कुकिंग करने का, और साथ ही जो है ना इन्हें एक्साइटमेंट थी, आज इनका था पहला दिन ट्यूशन का। और ये ट्यूशन गई थी, स्कूल तो अभी खैर नहीं गई हैं, ढाई साल की माशाल्लाह ये अभी हुई हैं। तो ढाई साल की उम्र में इनकी मम्मा ने लगा दिया है इन्हें ट्यूशन, तो माशाल्लाह खुशी खुशी जाने के लिए इतनी एक्साइटमेंट है कि वो रोना शुरू कर दिया है। तो आप देखिए वीडियो में आगे और इन्जॉय कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बैग पहन लो। है ना? हाँ। जा रही हैं आप? जा रही हैं? हाँ। कहाँ पे जा रही हैं? मम्मा दास। मम्मा साथ कहाँ पे जा रही हैं? मम्मा दादा। इधर आइए, इधर आइए। कहाँ जा रही हैं? स्कूल नहीं जाना पढ़ने, अभी अभी टाइम नहीं हुआ, जब टाइम होगा जब जाना। पढ़ने जाओगे? अच्छा ठीक है, ठीक अच्छा, जाओ जाओ पढ़ने जाओ। तो जी देखा आपने कि कितनी एक्साइटमेंट है इनको, कि ये जो ना वक्त से पहले ही भागने की लगी हुई है ना कि मैं ट्यूशन पढ़ने जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी। खैर ट्यूशन जाने के बाद मिलते हैं इनसे कि ये वापसी आएंगे तो इनके क्या हालचाल हैं और क्या हाल अहवाल होंगे इनके, और इनका दिन भी मालूम करेंगे कि कैसा गुजरा। बहरहाल टाइम नहीं हुआ था लेकिन ये तैयार थी जाने के लिए, तो बस इनको छोड़ने के लिए जा रहे थे। ज़ैनब आप ट्यूशन से आ गई? क्या पढ़ा था आप ट्यूशन में आपने? और बैग दिखाइए अपने पीछे, बाबा ने कौन सा बैग दिलाया मेरी बेटी को? ये वाला दिलाया है। वाओ ये तो बहुत प्यारा है। क्या पढ़ा ट्यूशन में आपने आज? जी ट्यूशन में, जी ट्यूशन में क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था। और मम और मिस क्या कह रही थी आपसे? जी
जी मिस क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? दादी थी, दादी थी, मामा, दादी थी। डांट रही थी मिस? डांट रही थी आपको? हाँ। आप रो तो नहीं रही थी? नहीं। क्या आपने क्या किया था वहाँ पर? वहाँ पर जी बैठ गई थी आप? बैठ गई थी। मिस को नाम बताया था आपने अपना? हाँ। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। नूर। नूर। ज़ैनब क्या हुआ? ज़ैनब क्या हो रही है? क्या हुआ? गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है? उतार दो बैग। ज़ैनब आप ट्यूशन से आ गई? हाँ। क्या पढ़ा था आप ट्यूशन में आपने? हाँ। और बैग दिखाई आपने पीछे? बाबा ने कौन सा बैग दिलाया है मेरी बेटी को? हाँ। ये वाला दिलाया है। वाओ ये तो बहुत प्यारा है। क्या पढ़ा ट्यूशन में आपने आज? जी ट्यूशन में। जी ट्यूशन में क्या पढ़ा था? ये पढ़ा था। और और मिस क्या कह रही थी आपसे? जी जी मिस क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? दादी थी, दादी थी, मामा, दादी थी। डांट रही थी मिस? डांट रही थी आपको? आप रो तो नहीं रही थी? नहीं। क्या आपने क्या किया था वहाँ पर? वहाँ पर जी बैठ गई थी आप? बैठ गई थी। मिस को नाम बताया था आपने अपना? हाँ। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। नूर। नूर। ज़ैनब क्या हुआ? ज़ैनब क्या हो रही है? क्या हुआ? गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है? उतार दो बैग। ज़ैनब क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही ऐसे धो लो ना आप? ऐसे धो लें? आप क्या कर रही हैं? पानी डाल रही हूं। कपड़े धो रही हैं? कपड़े धो रखो। कपड़े पिलाई जल्दी से। रस्सी डाले रस्सी पे भी आप कहा नहीं जा रहा? हाँ, जा रहे कैसे? कैसे? इधर देखिए बोलिए ना किसने बनाया मैगी? सो व्यूवर्स इतने काम के बाद इतने सारे काम करवा के दादी मम्मा ने इनको खाना दे दिया है तो फाइनली ज़ैनब को जो है वो आज खाना मिल गया है और ज़ैनब बहुत खुश हैं और मज़े से एंजॉय कर रही हैं अपना खाना।
तो बस आज का ब्लॉग जो था वो ज़ैनब के लिए ही स्पेशली था। सो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।